अल्लाह की सिर्फ इताअत होगी और मोहम्मद की इताअत भी होगी, इत्तेबा भी होगा। इसमें फर्क क्या है? फर्क यह है कि अल्लाह जो कुछ कहता है वो करो, जो कुछ वो करता है वो तो तुम कर ही नहीं सकते। वो तो खालिक है, उसकी शान तो कुन फयकूनी है, वो किसी चीज का इरादा करता है, फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, कैसे इत्तबा करो? वहां तो सिर्फ यह कि जो कुछ वो कहता है करो, ये करो वो करो, ये हलाल वो हराम, इताअत हो गई। और नबी के साथ रिश्ता दोहरा है, जो कुछ वो कहते हैं वो भी करो, जो कुछ वो करते हैं वो भी करो। देखिए किस कदर उमदा बात, और इसे आम कीजिए उनके हवाले से, इसलिए कि बहरहाल क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए। मैंने एक बात का बार बार मैंने हवाला दिया प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती साहब के हवाले से, हक हकदार रसीद, जब भी बात वो कहूंगा उनका हवाला दूंगा, और अब जब भी ये बात कहूंगा मुफ्ती साहब का हवाला जरूर। बहुत प्यारी बात है, लेकिन अब सोचिए इसके लिए लाजिम है कि सीरत का वो नक्शा तो लोगों के सामने लाओ कि मोहम्मद ने जो कुछ किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी सतह पर किया, उन तमाम मवाने के अलर्रगम किया है जो किसी भी इंसान को पेश आ सकते हैं, उन तमाम मसाइब और तकालीफ को झेल कर किया है जो किसी भी इंकलाबी जिद्दोजहद में पेश आते हैं। वो एक शेर है, किसका है ये नहीं बताऊंगा, शेर अच्छा है कि इस राह में जो सब पे गुजरती है तो गुजरी, तन्हा पसे जिंदा कभी रुसवा सरे बाजार, जो सब पे गुजरती है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गुजरी। हमारे यहां जैसा कि मैंने अर्ज किया, जो भी नक्शा है उसको आप यूं तो कह सकते हैं कि एक परस्तिश की शय, काबिले परस्तिश एक वजूद, एक आर्टिकल ऑफ वर्शिप तो बना दिया गया, लेकिन वो नक्शा सामने नहीं आता कि जिससे कोई दरसे अमल मिले, जिससे कुछ करने का दाइया बेदार हो, जिससे आपके नक्शे कदम के इत्तेबा का जज्बा उभरे। तो ये दो इंतहाएं हैं, इन दोनों के बैन बैन है सीरतुल नबी अला साहिब या सलात व सलाम।